भारत की राष्ट्र की कल्पना पश्चिम की कल्पना से अलग है। भारत भाषा, व्यवहारिक हित, सत्ता, राजनैतिक विचार आदि के आधार पर एक राष्ट्र नहीं बना। भारत भूमि सुजलाम सुफलाम रही है। भारत विविधता में एकता और वसुधैव कुटुम्बकम के तत्व दर्शन और व्यवहार के आधार पर एक राष्ट्र बना है। अपना जीवन इन जीवन मूल्यों के आधार पर बलिदान करने वाले पूर्वजों की अपनी विशाल परंपरा है। उक्त आशय के विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने व्यक्त किए। वो मानस भवन में प्रबुद्ध जन गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाषा पूजा पद्धति के आधार पर समाज नहीं बनता, समान उद्देश्य पर चलने वाले एक समाज का निर्माण करते हैं। भारत का दर्शन ऐसा है कि किसी ने कितना कमाया इसकी प्रतिष्ठा नहीं है, कितना बांटा इसकी प्रतिष्ठा रही है। अपने मोक्ष और जगत के कल्याण के लिए जीना ये समाज का जीवन दर्शन रहा है। इसी दर्शन के आधार पर अपना राष्ट्र बना है। अपनी संख्या के कारण वो संभव नहीं है, तो कम से कम इतना संभव है कि हम बैठकर संवाद करते तो मैं बैठकर बोलना तो अकेले को ही है, लेकिन बैठकर बोलूं तो थोड़ा बहुत गोष्ठी इस नाम को सार्थक किया ऐसा हो जाएगा। अभी संघ एक प्रसिद्ध संगठन बना है, और इसलिए संघ क्या कहता है उसको सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं। लेकिन अपने सुनने वालों की संख्या बढ़ाना ये संघ का काम नहीं है। अपने देश में जो होना चाहिए वो सब लोग करें, इसलिए संघ का प्रयास है। इसलिए हम स्वयंसेवकों को बताते कि अपने को समाज में संगठन खड़ा नहीं करना है, हमको संपूर्ण समाज को ही संगठित करना है। और संपूर्ण समाज यानी संपूर्ण समाज, आज विचार की दृष्टि से संघ की बात न मानने वाले हो, संघ के बारे में अनेक पूर्वाग्रह रखने वाले हो, या स्वार्थ के चलते संघ का विरोध करने वाले हो, जो भी है वो सब अपने देश के लोग हैं। और इन सबको हमको संगठित करना है, यानी एक छत्र के नीचे लाना है, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। इतना बड़ा अपना देश है,